झारखंड, शहीद निर्मल महतो का झारखंड, वीर गुरु दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड, इस पवित्र धरती पर मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे स्वाभाविक और स्वाभिमानी मुख्यमंत्री को आपने बुलाया है, और जो दो हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के रिश्ते को आपने मजबूत करने की दिशा में जो एक कदम उठाया है, ये झारखंड की जनता आपके इस कदम की सराहना करती है। मंच पे बैठे सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे झारखंड के लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम और सलाम। साथियों, झारखंड हमारा, ये झारखंड वैसे तो आजादी की लड़ाई को कहा जाता है कि 1857 में लड़ाई, आजादी की लड़ाई छिड़ी थी, लेकिन झारखंडियों ने हवा और फिजाओं को पहले समझने का काम किया, और 1772 में ही बाबा तिलका मांझी ने झारखंड की लड़ाई, देश की लड़ाई, झारखंड में ही बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया। बुद्धू भगत से लेकर हमारे जो है चांद उमराव टिकैत और सभी लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो झारखंड के लोग हर चीज में आगे हैं, और हम ये विश्वास देते हैं कि झारखंड हमारा गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों का झारखंड है। और चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लौटना है छत्तीसगढ़, कहने को बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं इतना अंतिम में कहूंगा कि आदिवासी, यदि हम आदिकाल लेते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब याद करते हैं तो हम सबरी के झूठे बैर भी याद करते हैं। हम यदि क्रांति की बात करते हैं तो हमारे झारखंड के लोगों का उलगुलान और शहादत की भी बात करते हैं। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि ये पर्यावरण को बचाना है, यदि दुनिया को बचानी है और ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हमको जो है कर्मा से लेकर हमको सोराय वहां सब पर मनाना होगा, आदिवासियों की संस्कृति को, उनके जीने के सम्मान को, उनके लिविंग को, थॉट को, थिंकिंग को समझना होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। गजब संस्कृति